हेलो एवरीवन, मैं हूँ कुसुम। मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। आज हम एग करी बनाएंगे, तो आइए देखते हैं एग करी कैसे बनाई जाती है। एग करी बनाने के लिए हमने 5 डबल योक ब्राउन एग लिए हैं, जो बहुत ही हेल्दी होते हैं। आप चाहे तो वाइट एग भी ले सकते हैं। अब हम ये एग को बॉईल कर लेंगे, और इसके लिए मैंने 2 प्याज ली है और 1 टमाटर लिया है। 7-8 फलियाँ मैंने लहसुन लिए, जो मैंने छील के रख दी है। 1 प्याज को मैं फाइनली चॉप कर लूँगी और 1 को मैं बारीक बारीक काट लूँगी। अब 1 पतीले में मैंने पानी रख लिया है और इसमें मैं ये अंडों को डिप कर दूँगी। ध्यान रहे, अंडे बहुत सावधानी से रखिए, वरना ये टूट सकते हैं। और क्रैक अंडे भी इसमें मत डालिए। इसको 5 से 7 मिनट तक पकने दीजिए। उबलने में हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे और अंडों को हम ऊपर से कवर कर लेंगे। बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। 5 से 7 मिनट में जब ये बॉईल हो जाएंगे, तब हम अंडों को छील लेंगे। जब तक हमारे एग बॉईल हो रहे हैं, तब तक हमने सब्जियों को चॉप कर लिया है। ये प्याज, लहसुन और मिर्च, टमाटर को मैंने काट लिया बारीक बारीक, और 1 प्याज मैंने ग्रेट कर लिया। ये अंडे हमने छील के रख लिए हैं। अब इसको हम फोक की सहायता से इसमें छोटे छोटे होल्स कर देंगे चारों तरफ से, जिससे कि इसमें मसाला अच्छी तरह से घुस जाए और अंडा फीका ना लगे। बहुत आराम आराम से करेंगे, जोर से प्रेस करेंगे तो अंडा फट जाएगा। ये सारे एग्स में हमने होल कर लिए हैं। अब देखते हैं हमें करी बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये मैंने खड़े मसाले ले रखे हैं। 1 मैंने बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी और 1 लौंग और 2 तेज़पत्ते। और मसालों में हमने 1 टीस्पून हल्दी ले रखी, 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ले रखी, जो ज़्यादा लगती नहीं है, कश्मीरी मिर्ची है, और स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे। अब कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाल रखा है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब सारे अंडे हम इसमें धीरे धीरे डाल देंगे। अंडे को हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, अंडे में बहुत अच्छी एक तरफ कोटिंग आ गई है। इसकी चारों तरफ कोटिंग आनी चाहिए, तभी हम अंडों को निकालेंगे। और ध्यान रहे, दूर हट के इसको करिएगा, कई बार अंडा ऑयल में फट जाता है। अब सारे एग्स हमारे फ्राई हो गए हैं। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम अपना मसाला तैयार करेंगे। अब इसी ऑयल में हम ये खड़े मसाले डाल देंगे। अब ये खड़े मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम ये कटी हुई लहसुन डाल देंगे। थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने पर इसमें हम प्याज भी डाल देंगे। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम ये कटी हुई प्याज डाल देंगे और साथ के साथ मिर्ची भी डाल देंगे। और साथ में मैंने जो 1 प्याज ग्रेट किया था, इसको भी साथ में ही फ्राई करेंगे और इसको बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब प्याज में हम कश्मीरी लाल मिर्ची को ऐड कर देंगे। पहले मिर्ची डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे टमाटर। मिर्ची पहले डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और साथ के साथ हम सारे मसाले डाल देंगे। हम हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर और ये टमाटर गलने के लिए नमक।
बाद इसको हम एक मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाए। अब मसाले को हमारे दो मिनट हो गए हैं, टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह गल गए हैं। अब इसमें हम अंडे डाल देंगे। अंडों को चारों तरफ से मसाले से कोटिंग करके हम दो मिनट तक इसको पूरे इसी तरह बना फ्राई करेंगे। एग्स को दो मिनट हो गए हैं, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मसाला भुज गया है। आप इसको स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा करी बनाऊंगी। देखिए ये करी के लिए मैंने पानी थोड़ा बॉईल कर रखा है, इसी को मैं डालूंगी। अब इसको एक उबाल आने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। एग्स में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ब्राउन एग में व्हाइट एग के मुकाबले ओमेगा 3 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ब्राउन एग थोड़े हेल्दी होते हैं, परंतु आप व्हाइट एग भी यूज़ कर सकते हैं। अब एग करी बनके तैयार हो गई है, इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये एग करी हमारी बनके तैयार हो गई है, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।